MIUI 12.5 का एक लेटेस्ट TR का अपडेट आ चुका है, जो कि हमारे चार डिवाइसेज को सपोर्ट करता है, Redmi के Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro। और इसका जो बिल्ड डेट है आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे बिल्ड नंबर आपको दिखाई देता है 21.3.3, जो कि Miku पोर्ट की तरफ से इसे बिल्ड किया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन मेथड भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है और पहले की तरह आपको कई सारे फाइलों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा। इस बार TR की ओर से काफ़ी कुछ नए फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और कुछ छोटे मोटे आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अगर अबाउट पे आते हैं तो आपको लेटेस्ट बिल्ड मिलता है बीटा का, जो कि 3.3 है, और यहाँ पे आपको थोड़ा ओल्ड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा जो कि 2021.1.1 है, और ये अभी तक एंड्रॉयड 10 पे ही रन कर रहा है, क्योंकि ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिला नहीं है इन चारों डिवाइसेज के लिए। तो जब चारों को मिल जाएगा तब हमें एंड्रॉयड 11 का भी पोर्ट रोम देखने को मिलेगा, बट फिलहाल अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर इसके कर्नल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूकी का यूज किया गया है, जो कि चारों डिवाइस में सेम आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पोको का M2 Pro, बट यहाँ पे इसे रोम डालने के बाद डिवाइस का नेम रेडमी का Note 9S हो चुका है, तो आप यहाँ पे नेम को चेंज कर सकते हो, तो इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बैक साइड पर आने के बाद सारे MIUI 12.5 के फीचर्स मिलेंगे, और स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा सारे आइकन यहाँ पे थीम्ड है, और यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स और गेम टर्बो मिलता है, जिसमें गेम टर्बो के अंदर मैंने अभी Antutu को ऐड कर रखा है, और यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर भी देखने को मिलता है। आप चारों डिवाइस में से किसी भी डिवाइस के अंदर अगर इसे इन करते हो यानी इंस्टॉल करते हो तो आपको वॉइस चेंजर का बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा 4G वाला वेरिएंट है पोको M2 Pro, जिसके हिसाब से इसका जो Antutu का स्कोर है काफ़ी सही है, यानी डाउन नहीं है परफॉर्मेंस। लेकिन आप अगर 6G वाला यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉइस चेंजर वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायल चेक करूँ तो ये काम करता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, और यहाँ पे टोटल जो स्कोर है ये काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा कि बाकी अदर कस्टमर रूम में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आते हैं हम यहाँ पे पासवर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्किंग है, फेस अनलॉक भी आपको वर्किंग मिल जाएगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको ओल्ड टाइप का जो काफ़ी टाइम पहले हमें MIUI 8 और 9 में देखने को मिला था बैटरी सेविंग वगैरह, वो आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे एक्सट्रीम बैटरी सेवर का बेनिफिट ले सकते हो, जिससे आपका बैटरी काफ़ी हद तक और लॉन्गर बैकअप देगा। और यहाँ पे AI प्री लोडिंग, ये भी काफ़ी ओल्ड फीचर्स है जो कि अब रिमूव कर दिया गया है, तो इसके हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यानी जो कुछ आप एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज करते हो ना उसे ये डिटेक्ट करेगा और उसे हमेशा रैम में रखेगा और उसको बैकग्राउंड किल नहीं करेगा, ताकि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे, और बाकी जो एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हो वो बैटरी सेविंग में जाएगा, जिससे आपका बैटरी बैकअप थोड़ा और अच्छा रहेगा। और साथ साथ पावर यूजेज वाला जो पावर सेविंग और अल्ट्रा बैटरी सेविंग है ये भी आपको देखने को मिलता है, यानी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बैटरी से रिलेटेड, जो कि आपके बैटरी को थोड़ा और बैकअप इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एडिशनल के अंदर ये सारे आइकन आपको थीम्ड मिलते हैं, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, और रीजन यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, तो बहुत कम यहाँ पे रीजन का सपोर्ट है, आप देख सकते हो टोटल ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है, तो बस इतना ही आपको ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आते हैं होम सेटिंग पे, तो आप कर सकते हो लॉक डबल टैप पे, अनलॉक एनिमेशन, इन्फिनिटी स्क्रॉल, यहाँ पे लेफ्ट या राइट होगा, नोटिफिकेशन पोजीशन वो आप सेट कर सकते हो, फोल्डर ब्लर वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे बॉटम सर्च बार ऑटोमेटिक क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ऐप वैलिड आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सिस्टम नेम बार को होम स्क्रीन में ऐड कर दिया गया है, पहले ये एडिशनल में हमें देखने को मिलता था, तो ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अरेंज आइटम में भी आप चेंज कर सकते हो रिसेंट पैनल को, और ब्लर प्रीव्यू में कुछ खास नया हमें देखने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर, लेफ्ट राइट करना है, क्या करना है वो आपको मिल जाएगा, स्मार्ट होम, साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन के आइकन आप कंट्रोल कर सकते हो, वेदर का इन्फो मिल जाएगा, यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिलता है सेंटर AOSP का ऑप्शन, बट फिलहाल के लिए ये काम नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे चेक किया है, चेंज करने के बाद कोई भी बदलाव मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी फिलहाल के लिए बगी है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ये फिक्स हो जाएगा।
बट ये पोको M2 Pro के अंदर काम नहीं कर रहा है, मे बी बाकी अगर तीन डिवाइसेज हैं उनमें वर्किंग मिल जाए, क्योंकि डिवाइस के अनुसार छोटा मोटा है जो चेंज होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड बैटरी स्टाइल मिल जाएगा, कैरियर लेवल, स्पीड मीटर, ड्यूल स्पीड, कलर नोटिफिकेशन वगैरह, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो और अच्छे से काम कर रहे हैं। साथ साथ साउंड के प्रोफाइल में आपको हैप्टिक फीडबैक का लेवल कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पे साउंड असिस्टेंट भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड 10 में अभी तक देखने को हमें नहीं मिला था, बट TR की ओर से ये प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले के अंदर आपको कॉलिंग ब्राइटनेस मिलता है जो कि काम कर रहा है, तो आप कॉलिंग के टाइम में चाहते हो फुल ब्राइटनेस तो इसे आप ऑन कर सकते हो। रीडिंग मोड भी आपको वर्किंग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अदर ऑप्शन जो नॉर्मल से हैं वो तो आपको वर्किंग मिलते ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीप है, लाइट वेक है, डबल टैप है, ये सारे आपको अच्छे से वर्किंग मिलता है। और अनरीड नोटिफिकेशन का भी एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि अच्छे से काम कर रहा है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको एक ऑलवेज ऑन का इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि Redmi के Note 9S के अंदर ऑलवेज ऑन काम कर रहा है, बाकी अदर में वर्किंग देखने को नहीं मिलता है। ऐसा मैंने चेकआउट किया है, बट मेरे पास 9S है नहीं तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर में एक ही वॉलपेपर दिया गया है, बाकी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो, बट इनका यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनसे बैटरी ड्रेन और सिस्टम थोड़ा सा लैग करता है, तो सुपर लाइव वॉलपेपर से आप दूर रहें तो बेटर है। उसके बाद आते हैं होम स्क्रीन पे, तो आप देखते हो सारे आइकन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे Jio 4G लिखा हुआ आ रहा है जो कि बाकी में हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता था। गैलरी आपको लेटेस्ट मिलता है, बट ज़्यादा लेटेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे यूज किया है जो कि आपके काफ़ी काम आएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट रूटेड रहता है, बट आपको मैजिक मैनेजर को अपडेट करना होगा मैनुअल। लेकिन विदाउट अपडेट किए हुए भी आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा, तो आप बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे, और रूट कर दोगे यानी एप्लीकेशन को अपडेट कर दोगे तो भी आपका बैंकिंग ऐप काम करेगा। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैटरी मैंने चेक किया है, अभी यहाँ पे 93 आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है, और टाइमिंग 11:11 है, और जब मैं इसे मॉर्निंग में चेकआउट करता हूँ तो ये 91 आ जाता है और टाइमिंग 7:32 है, तो ओनली 2% का स्टैंड बाय बैटरी ड्रेन देखने को मिला है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि ये अच्छा स्टैंड बाय ड्रेन देखने को मिला, क्योंकि बाकी में बहुत ज़्यादा हमें ड्रेन देखने को मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ आपका वर्किंग है, वीडियो कॉल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाला है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगी है कि आप वीडियो कॉल का बेनिफिट ले पाओगे। कैमरे के अंदर बहुत सारे फीचर्स को एक्टिवेट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो मोड के अंदर ब्लॉक मोड तो आपको देखने को मिल ही जाता है, जिसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बाद। और यहाँ पे एक मूवी इफेक्ट भी दिया गया है जो एक नया ऑप्शन है, इससे पहले ये हमें देखने को नहीं मिला था इन चारों डिवाइसेज के अंदर। इसके बाद नीचे की ओर आपको मिलता है सुपर मून का, लॉन्ग एक्सपोजर का, AI स्टिकर का, तो सुपर मून अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, ये एक बग है, और इसे इनेबल करने के बाद हमारा कैमरा क्रैश करने लग जाता है, तो मे बी बाकी तो तीनों डिवाइस में काम करे या ना करे, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करता है। साथ साथ पोर्ट्रेट का भी बग है, तो पोर्ट्रेट हमारा वर्किंग नहीं है, तो अगर आप पोर्ट्रेट यूज करोगे या सुपर मून तो कैमरा इस तरीके से क्रैश करेगा और कुछ टाइम लगेगा इसे। साथ ही साथ इधर स्लाइड करने पे आपको एक सेटिंग नजर आएगा, जिसके अंदर आपको फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी आपने फेवरेट कर रखा है वो सब कुछ नजर आएगा। डिस्प्ले के अंदर ब्लर वॉलपेपर और बाकी आपको जो पहले के फीचर्स मिलते हैं वो सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो नए फीचर्स के साथ काफ़ी कुछ यहाँ पे वर्किंग है, लेकिन दो तीन चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जैसे कि पोर्ट्रेट और सुपर मून का ऑप्शन वगैरह, बाकी अदर चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए हमें TWRP में स्विच करना होगा। TWRP के ओपन हो जाने के बाद अगर आपका इंक्रिप्शन का इशू नहीं है तो सही है, लेकिन अगर इंक्रिप्शन लगा हुआ है, इंटरनल फाइलें नज़र नहीं आ रही है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वाइप पे आना है और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। आपने फॉर्मेट कर दिया है तो वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरा यहाँ इंक्रिप्शन नहीं है, डिक्रिप्ट है, तो मैंने वाइप किया है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे फाइल्स के ऊपर। इंस्टॉल के लिए आपको मेमोरी कार्ड या इंटरनल यूज करें तो उसका सेलेक्ट करना है, या फिर OTG का भी आप यूज कर सकते हो। अब आपको अपने फाइल को ब्राउज करना है, तो सबसे पहले जो मेन फाइल है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI का TR है 2133, जो कि MI8ALL के लिए है। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आपको FW सेलेक्ट करना है अपने डिवाइसेज का, चारों का अलग अलग FW रहेगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर से ऐड मोड पे टाइप करना है, और एक यहाँ पे यूनिफाइड का वेंडर दिया गया है जो इसे सेलेक्ट करना है। ये चारों डिवाइस के लिए सेम होगा, यानी रोम और ये वेंडर चारों डिवाइस के लिए सेम होने वाला है, बस FW को आपको डिफरेंट लेना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर देना है। फाइल के कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपका डिक्रिप्ट था तो आप डायरेक्ट रिबूट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट करने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है,
तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आप फॉर्मेट कर लो, या विदाउट फॉर्मेट किए भी आप रिबूट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट कंप्लीट होते ही यहाँ पे रिबूट कर देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, EMI अकाउंट वगैरह सेटअप करके आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। कैसा लगा आज का ये TR का अपडेट हमारे MI 8 ऑल चारों डिवाइसेज के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हो या फिर यूज करने वाले हो, इसके बारे में आप ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई लाइक करें, अपना ओपिनियन शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सोशल मीडिया पे, ताकि इसी तरह के अपडेट की वीडियो मैं आपको एवरी टाइम प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आपका एक लाइक भाई हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।